मॉर्निंग गाइस, नाइस टू मीट यू। क्लास 7 से हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री देख रहे हैं। ये आपका वीडियो क्लिप 4 है। आइए हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। कल आपको टाइप्स ऑफ एसिड्स बताया गया था, जिसमें कि मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में चर्चा किया गया था। उसी में से एक है आपका ऑर्गेनिक एसिड। में आपको डिफाइन किया गया था कि वैसा एसिड जो प्लांट से और एनिमल से तैयार होते हैं वो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो कुछ सब्सटेंस हैं और कुछ एसिड्स हैं, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है उसका आप लोग इस चार्ट को याद कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि साइट्रिक एसिड जो है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में साइट्रिक एसिड्स पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में होता है। ठीक उसी प्रकार कार्बोनिक एसिड जो है कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक समझते होंगे आप। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स जब वो ग्रीन होता है उस स्थिति में मैलिक एसिड की मात्रा उस ग्रीन एप्पल में पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड जो है टोमेटोज में पाई जाती है, टमाटर में। फॉर्मिक एसिड जो है बी स्टिंग में पाया जाता है, मधुमक्खी में। टैनिक एसिड जो है टी में पाया जाता है, चाय में। और लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में, दही में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है ग्रेप्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है गुआवा अमरूद में पाया जाता है। ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक एसिड से ये सब सब्सटेंस में विद्यमान थे, मौजूद थे। किस सब्सटेंस में कौन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड मौजूद रहता है इस चार्ट को आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, ढंग से इसको याद कर लेंगे। अब आपको बताया जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आज के वीडियो क्लिप में हम बताएंगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। अगले वीडियो क्लिप में आपको स्टडीज कराया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल का भौतिक गुण के ऊपर परिचर्चा किया गया है। पहला बताया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कि ऑल एसिड्स हैव अ सॉल्ट टेस्ट। जितने भी एसिड्स होते हैं सबका टेस्ट जो है, स्वाद जो है खट्टा होता है, सॉल्ट होता है। तो पहला प्रॉपर्टी से तो ये इंडिकेट हो चुका है कि जिस सब्सटेंस का टेस्ट जो है सावर होगा, सॉर होगा, तो उसे हम लोग जो है एसिड समझेंगे। ऑल एसिड्स और जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो मिनरल एसिड हो, चाहे वह ऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे वह स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वह वीक एसिड हो, तो जितने भी एसिड्स हैं सारे एसिड्स का टेस्ट जो है कैसा होता है, सॉर होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि एसिड्स आर सोलूबल इन वाटर। एसिड्स जो है पानी में जो है घुलनशील होता है, सोलूबल होता है, घुल्य होता है। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया गया कि हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उससे उष्मा उत्सर्जित होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टीज हुआ कि हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड होगा कब, जब व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ मिक्स्ड कर दिया जाए। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसे लिटमस पेपर का व्यवस्था किया गया है। तो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम लोग एसिड को डालते हैं तो वह एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके नेचर से हम लोग समझ सकते हैं कि वह क्या है, वह एसिड्स है। तो ये भी आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के अंतर्गत ही आता है। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और पांचवा है फिफ्थ, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। जब एसिड जो है किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, रूप में रहता है, तो वह क्या करता है,
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत को सुचालित करता है। ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको बताया गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला ऑल एसिड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। एंड द फोर्थ एसिड ट्रांसपोर्ट लिटमस पेपर रेड। एंड द फिफ्थ लास्ट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म। योर होमवर्क इज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो क्लिप वी अंडरस्टैंड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। टुडे क्लास इज ओवर। दैट्स ऑल, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।